Swati, how are you all? Welcome back to Gurukul Fortuners page. And आपके exam है कल, anxiety हो रही है, stress हो रहा है, stress eating कर रहे हैं, बहुत सारी problems हैं. आज उन सब problems और उन सब mistakes के बारे में बात करने वाले हैं हम आज, और उनके solutions भी आपको बता देंगे. So end तक बने रहना, ठीक है? Stress और anxiety के 2 से 3 आपको रामबाण इलाज बता देते हैं. Try meditating. Try breathing exercises, and अगर concentrate नहीं कर पा रहे हो तो start listening to music that is without lyrics. That is the best you can do at the moment. जो आपको yoga classes में आपको breathing exercises बताई गई थी school में, वो recall करो, कैसे करनी है वो करो. It will definitely help with your anxiety. मैंने बिल्कुल देखा है, छुट्टियाँ चल रही हैं, आप लोग बहुत late उठते हो, तो उसके कारण क्या हो रहा है, आपका sleep cycle खराब. ऐसा ना हो कि आपको सुबह सुबह जाना है paper देने और आप paper में सो रहे हो, तो अभी से ना अपनी sleep cycle सुधार लो. Guys, do not stress eat. तमी खराब हो जाएगा, फिर अगले दिन तुम्हारा ही दिमाग बिगड़ने वाला है, ठीक है? और स्ट्रेस ईटिंग रोकने के चक्कर में ये मत करना कि हम खाएं ही ना, कल के लिए एनर्जी नहीं बचेगी. मॉडरेशन में खाओ, जो सूट कर रहा है वो खाओ, अदरवाइज तुम्हारी तबीयत खराब हुई तो पेपर भी बिगड़ जाएगा. एक रात पहले सारे नोट्स रिवाइज करने हैं, घर से निकलने से पहले सारे नोट्स रिवाइज करने हैं, जो जो पढ़ा है अभी तक, आपके सुपर नोट्स, नोट्स जिसमें से आपको पढ़ना है, आपके टेक्स्ट बुक में से, वो सब करके जाना है. बट एक चीज का ध्यान रखना है, द मोमेंट यू स्टेप आउट ऑफ योर हाउस, आपको किसी नोट को, आपको किसी भी नोटबुक को हाथ नहीं लगाना है. आप हो जाओगे कंफ्यूज, आपको सब आता है, अदरवाइज आपके सबकॉन्शियस में यही चलता रहेगा, अरे मैंने ये नहीं करा, ये नहीं करा. पर आपको आता सब कुछ है, पर आप उस चीज का लोड ले लेते हो, इसलिए आप फिर से जाते हो स्कूल से, घर से बाहर निकलते से आप जाते हो कि अरे मुझे, मैंने ये नहीं पढ़ा, मुझे ये पढ़ना है. ये स्ट्रेस लेकर के नहीं जाना है, जो भी पढ़ना है घर से निकलने से पहले पढ़ना है, घर से निकलने के बाद किसी भी नोटबुक को हाथ नहीं लगाना है. एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले अपने किसी भी सपोले दोस्त से बात मत करना. मैंने देखा है तो एक बच्चा दूसरे बच्चे को गलत आंसर देता है, सबको एक दूसरे से आगे रहना है, तो कोई भी आपको गलत आंसर बता दे, आपको सबके आंसर्स पता है, जो आता है वो लिख करके आओ. पर अपने सफोलो दोस्तों से ना एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से पहले दूर रहना. रही बात थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की, गाइस उसमें अपने लैंग्वेज का बखूबी ध्यान रखना, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मत करना, स्पेशली इंग्लिश के पेपर में. एंड आपको ब्लैक पेन का इस्तेमाल नहीं करना है इंग्लिश के पेपर में, उसमें कोई आप पॉइंटर्स नहीं लिख के आते हैं, ठीक है? अगर आपको ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है तो आपको करना है अपने ई शेप अकाउंट्स की थ्योरीज में, जहाँ पे आपको किसी में पॉइंटर डालना है. इंग्लिश के पेपर में आप किसी भी वर्ड को अंडरलाइन करके नहीं आएंगे, अगर उस वर्ड की स्पेलिंग गलत हो गई तो एग्जामिनर का ध्यान नहीं जाएगा और आपको मिलेगा अंडा. आखिरी पॉइंट, हर आंसर के बाद आपको लाइन खींचने की जरूरत नहीं है गाइस. प्रेजेंटेशन में पता है अच्छा दिखता है, पर वो 3 घंटे आप सब अपने पेपर पे ध्यान दो कि हमें उसमें क्या क्या सही वैल्यू पॉइंट्स डाल के आने हैं. अगर आप स्ट्रेस में रहोगे, यार मुझे तो अच्छा प्रेजेंटेशन करना है, मुझे तो लाइनें खींचनी है, जल्दी जल्दी पेपर खत्म करना है, जरूरी नहीं है, आपको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिलने वाले हैं. तो आप बेहतर होगा कि अपना पेपर अपने टाइम से ही फिनिश करो और इस चीज की टेंशन तो मत ही रखना. आई होप ये सारी एडवाइस आपके काम की होंगी, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर एग्जाम्स, एंड चक दे फटे.